गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी ट्रांसमीटर इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली टीवी ट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ब्लैक एंड वाइट टीवी ट्रांसमीटर और दूसरा हमें पढ़ना होता है कलर टीवी ट्रांसमीटर। इसे हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी ट्रांसमीटर। आप ब्लैक एंड वाइट बोलो या मोनोक्रोम बोलो, वो था सेम। मोनो मतलब होता है सिंगल, तो ब्लैक एंड वाइट में आप एक ही टाइप का आपका कलर होता है, कलर तो है नहीं वहाँ पे। तो मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर और आपका ब्लैक एंड वाइट टीवी ट्रांसमीटर दोनों सेम हैं। अब हमें पता है कि टीवी पर हमें वीडियो सिग्नल भी नज़र आता है, हमें वीडियो भी नज़र आता है और हमें ऑडियो, हमें साउंड भी सुनाई देती है। तो हमें दो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराना रहेगा यहाँ पे, एक वीडियो सिग्नल और एक साउंड सिग्नल। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि वीडियो सिग्नल को हम कैसे ट्रांसमिट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिस भी इमेज को हम कैप्चर कर रहे हैं, जो भी सीन हम अपने टीवी पे दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले उस सीन से लाइट इंटेंसिटी को ये कैमरा ट्यूब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वेरिएशन में। जो यहाँ पे सीन, जो भी सीन हमें कैप्चर करना है, उसकी लाइट इंटेंसिटी को ये कैमरा ट्यूब इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस में कन्वर्ट करता है और इन इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को ही हम वीडियो सिग्नल कहते हैं। इस कैमरा ट्यूब में एक फोटो सेंसिटिव टारगेट प्लेट लगी होती है। जब उस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है तब उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और अगर उस पर जब लाइट फॉल होती है, लाइट पड़ रही होती है, तो उसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। तो एक फ़ोटो सेंसिटिव टारगेट प्लेट इसमें लगी होती है। नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा स्कैनिंग सर्किट्स। स्कैनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्कैनिंग बीम यहाँ पे क्या करेगी, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करती है। कोई जो भी सीन हमें टेलीवाइज करना होता है उसको लेफ़्ट टू राइट करते हुए हम टॉप से बॉटम तक स्कैन करते हैं, तभी वो पूरा पिक्चर सीन हमारा टेलीवाइज हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि कैमरा ट्यूब में जो फोटो सेंसिटिव टारगेट लगा होता है, उसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल करंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्कैनिंग बीम के सहायता से। जो कैमरा ट्यूब में हमने बात की थी कि अभी एक फ़ोटो सेंसिटिव टारगेट प्लेट लगी होती है, तो इस फ़ोटो सेंसिटिव टारगेट प्लेट से इलेक्ट्रिकल करंट को स्कैनिंग बीम की सहायता से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये स्कैनिंग बीम हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय सॉटूथ करंट, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका स्कैनिंग सर्किट्स का, एक तरीके से स्कैन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका ब्लैंकिंग एंड सिंक पल्स जनरेटर। अब जब भी हमारा जो सॉटूथ वेव है या जो स्वीप करंट सिग्नल है, इसको ट्रिगर करने के लिए पल्सेस काम में ली जाती है, इन पल्सेस को ही हम सिंक पल्सेस कहते हैं। तथा यदि हमारी स्क्रीन पर रीट्रेस उत्पन्न होता है, तो उस रीट्रेस को ब्लैंक करने के लिए हम ब्लैंकिंग पल्सेस यूज़ करते हैं। तो ये ब्लैंकिंग पल्सेस तो होती है रीट्रेस को ब्लैंक करने के लिए, और सिंक पल्सेस जो हमारा स्वीप करंट सिग्नल है उसको ट्रिगर करने के लिए हम काम में लेते हैं। ये पल्सेस पीरियोडिक होती है नेचर में, मीन्स एक टाइम के बाद अपीयर होती है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपीयर होती है। इसके लिए हम इसमें मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंक पल्सेस का काम हमें समझ में आ गया और ब्लैंकिंग पल्सेस हमने यहाँ देख ली। यहाँ पे एक सिग्नल आपका, ये नेक्स्ट ब्लॉक है CVS, कंपोजिट वीडियो सिग्नल एंड वीडियो एम्पलीफायर्स। अब जो वीडियो सिग्नल हमें यहाँ पे मिला, वीडियो सिग्नल को ब्लैंकिंग और सिंक पल्स के साथ एक साथ मिला के हमें पता है हम क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल, जो कि कॉम्बिनेशन है वीडियो सिग्नल प्लस ब्लैंकिंग प्लस सिंक पल्सेस, इसको एम्पलीफाई किया जाता है बाय यूजिंग वाइड बैंड RC कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट्स। आप इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे हम कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो साथ में लगाया गया है वीडियो एम्पलीफायर भी, तो हमें पता है कि वीडियो सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के लिए जो हम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है वेस्टिजियल साइड बैंड टाइप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस वाली टेक्निक का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम बैंडविड्थ को सेव कर सकें।
वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में बेसिकली एक टोटल बैंड को ट्रांसमिट ना करके हम उसके साइड बैंड के एक स्मॉल पोर्शन को वेस्टिज कर लेते हैं, उसको एक तरीके से कम कर देते हैं, हटा देते हैं। जो अब मोस्टली हमारे टीवी में क्या होता है कि हम लोअर साइड बैंड को वेस्टिज करते हैं और अपर साइड बैंड और कैरियर हमारा फुल भेजा जाता है। मीन्स देखो, तीन कंपोनेंट्स हैं आपके यहाँ पे, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और कैरियर सिग्नल। तो कैरियर और अपर साइड बैंड तो हम एज इट इज़ पूरा का पूरा भेज रहे हैं, और लोअर साइड बैंड में से हल्का सा पोर्शन हम वेस्टिज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम एक तरीके से हमारी बैंडविड्थ को हम सेव कर पा रहे हैं, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। और इसको हम भेज देंगे वीडियो मॉड्यूलेटर में, वीडियो मॉड्यूलेटर ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सारा सेक्शन हो गया आपका वीडियो सेक्शन। अब हम डील करते हैं कि हम साउंड सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करेगा, जो साउंड प्रेशर वेरिएशंस हैं इनको इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस में चेंज करेगा। इन इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को ही आप ऑडियो सिग्नल बोलोगे। जैसे यहाँ पे वीडियो सिग्नल मिल रहा था, यहाँ पे आपको ऑडियो सिग्नल मिल जाएगा। तो माइक या माइक्रोफोन फुल फॉर्म जिसका हो गया, ये साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ऑडियो एम्पलीफायर्स, ये वीक ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका आरएफ कैरियर जनरेटर और ऑडियो एफएम मॉड्यूलेटर। तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर हम जनरेट करते हैं और इसे इसके द्वारा ऑडियो सिग्नल्स को हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करेंगे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये ऑडियो सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन के लिए हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स हैं उनका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर दिया, ताकि वो फुल ट्रांसमिट करने के लिए उनको एम्पलीफाई किया जा सके, फुल लेवल तक उनको एम्पलीफाई किया जा सके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका ऑडियो सिग्नल, यहाँ पे है वीडियो मॉड्यूलेट आरएफ सिग्नल। साफ सी बात है कि हमारे पास हम एंटीना तो दो डिफरेंट यूज़ नहीं करेंगे एक ही सीन को टेलीवाइज करने के लिए, हम एंटीना एक ही यूज़ करेंगे। तो सेम एंटीना से हमें वीडियो सिग्नल भी ट्रांसमिट करना है और ऑडियो सिग्नल भी ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं हम, कंबाइनिंग ब्रिज, जिसे डिप्लेक्सर भी कहा जाता है। तो ये वीडियो मॉड्यूलेटेड और ऑडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को कंबाइनिंग ब्रिज से हम गुजारते हैं, ताकि एक कॉमन ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम इनको ट्रांसमिट कर सके। इस ब्रिज का एक और काम है कि ये ऑडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को वीडियो सेक्शन में जाने से रोकता है, तथा वीडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को ऑडियो सेक्शन में जाने से रोकता है, ताकि ओवरलोडिंग को अवॉइड किया जा सके। इसके दो काम हो गए। फर्स्ट क्या काम है कि जो वीडियो मॉड्यूलेटेड और ऑडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं इनको एक कॉमन ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट करने के लिए हम इस ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा काम इसका ये हो गया कि ऑडियो सिग्नल्स को वीडियो सेक्शन में जाने से रोकता है और वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो सेक्शन में जाने से रोकता है, ताकि हम ओवरलोडिंग को रोक सकें। लास्ट है आपका एंटीना। तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसमें वीडियो मॉड्यूलेटेड और ऑडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को हम फीड करते हैं, और इस एंटीना के द्वारा आपका जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में स्पेस में ट्रांसमिट किया जाता है। ये एक ओमनी डायरेक्शनल टाइप का एंटीना है, जो कि ओमनी डायरेक्शनल मतलब सभी दिशाओं में जो इक्वली रेडिएट करे। तो ये सारा हमने पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर। यहाँ पे ये ऊपर वाला सारा ब्लॉक था हमारा वीडियो सेक्शन, ये नीचे वाला सारा ब्लॉक था हमारा ऑडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन में हमने देखा था कि जिस भी सीन को टेलीवाइज करना है, सबसे पहले कैमरा ट्यूब उसको लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करेगा वीडियो सिग्नल में। इन सिग्नल्स को आप एम्पलीफाई करेंगे, ब्लैंकिंग उसमें दी जाती है, सिंक पल्सेस फॉर सिंक्रोनाइजेशन आप यूज़ कर रहे हो, और फाइनली वीडियो मॉड्यूलेटर में आप वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ऐसे ही साउंड सेक्शन में हमने देखा कि साउंड सिग्नल को जो भी हमारा प्रेशर वेरिएशंस थे उनको आपने ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया, उनको एम्पलीफाई किया, देन उनके मॉड्यूलेशन के लिए हमने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की, और इन दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए हमने एक कंबाइनिंग ब्रिज जिसे डिप्लेक्सर कहते हैं, इसके थ्रू हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना से इनको स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसमिट कर दिया। तो ये सारी वर्किंग थी हमारी मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर की। थैंक यू।